आने वाला टाइम कैसा होगा ये हम लोग सोच सकते हैं। राजस्थान में कभी फ्लोराइड का नामो निशान नहीं था, आज आप जमीन में बोरिंग से पानी लगाएंगे देखो आपको फ्लोराइड या कुछ ना कुछ कंटेमिनेट मिल जाएंगे। हर जगह पे कहीं आपको शुद्ध पानी जमीन का नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा आप लोग तो अनुभव वाले हैं। क्या होगा टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे जो पानी हम देखते हैं ना वो देखने को क्या सपने भी नहीं आते, इतनी बुरी हालत हो रही है दूसरे कंट्रीज में पानी। और बार बार सुनते हैं ना सोशल मीडिया पे अब जो युद्ध होने वाला है वो पानी भी होने वाला है, उसमें तो पानी भी हो रहा है। कई सारे देश पानी रोक देते हैं, चीन रोक देता है, कभी पाकिस्तान का हम रोक देते हैं, कभी क्या करते हैं। तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जानते शुरू से कहते आ रहे हैं हमारे बड़ेरे, आज तक लोग कह रहे हैं कि भाई पानी को चाहिए, लेकिन हम पानी आ रहा है विश्व का फर्स्ट क्लास पानी आ रहा है, बढ़िया से भैंस मिला रहे हैं पानी से, मोटरसाइकिल धो रहे हैं, ट्रैक्टर धो रहे हैं, हमें नहीं परवाह है ना, अभी हमें आराम से पानी मिल रहा है। और जिस दिन वास्तव में ऐसा हो जाएगा तो पानी मिलना बंद हो जाएगा तो हम तरस जाएंगे, इसलिए उन लोगों को अभी से थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला टाइम बहुत खराब है। हालात अभी से दिखते हैं, साल दर साल बारिश भी कम हो रही, और जितनी बारिश हो रही है आप लोग चाहे कहीं स्टडी दे दो कोई से बोल के 80% पानी हमारा जो बारिश का ना वो वापस समुद्र में चला जाए 80%, हम बचत नहीं कर पा रहे, हम रोक नहीं पा रहे। तो केवल तकनीकी के साथ साथ ये सारी चीजें भी हमें गांव वालों को बताते हैं, अभी इस तरह का इस वजह से हम लोगों को पानी पहुंच रहा, आज हर घर में पानी पहुंच रहा, सब लोग खुश है, बढ़िया है, ठीक है, चल रहा है, आने वाला टाइम बहुत भयावह है, इसको सोच लें। बिल्कुल ठीक होता है, आप बारिश का पानी आपकी जो बैटरीज होती है कौन सी बैटरी है जिसमें डिजिटल वाटर चलवाते हो, आप बारिश का पानी डालते हो उसमें डिजिटल वाटर कौन सा होता है वही तो होता है। बिल्कुल, वहाँ ऑप्शन यही है, वहाँ ऑप्शन यही है, अगर वो बारिश का पानी नहीं रोक पाए तो फिर साल भर तक वो कैसे भरेंगे, उनकी मजबूरी है वो पानी रोकना, वो एक बूंद भी वेस्ट नहीं करना चाहते। आप लोग कभी अगर मारवाड़ में आप लोगों का विजिट हुआ हो तो वहां पे नहाते कैसे हैं, चारपाई के ऊपर बैठ के और नीचे बड़ा सा थाल